हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ एक्टिविटीज़, डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो कि जो है 2 से 3 मंथ के बेबीज़ के साथ की जाती हैं। न्यू बॉर्न से 1 मंथ से स्टार्ट हो जाती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, और उनके माइलस्टोन्स जो होते हैं जो वो अचीव करते हैं वो डिस्कस करेंगे, और ये एक्टिविटीज़ जो हैं उन्हें ये माइलस्टोन अचीव करने में हेल्प करते हैं। ये है मेरे बच्चे, एक अविराज है 2.5 महीने का और मेरी द्वितीय लड़की है 3 साल की। तो जब भी वीडियो बनती है मेरी बेटी जो है साथ साथ ज़रूर आती है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उन एक्टिविटीज़ में सबसे पहले आता है टमी टाइम। टमी टाइम से आपके बेबी की जो है टमी में जो भी गैस होती है वो पास होती है, उसको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। उससे वो अपनी नेक होल्डिंग करना सीखता है, जिससे उसकी आर्म, शोल्डर और नेक की जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं। तो मैं हर अलग तरीके से टमी टाइम जो है कोशिश करती हूँ देने की। अभी मैंने नीचे एक पिलो लगाया हुआ है, कभी कभी मैं बिना पिलो के डायरेक्टली उसको नीचे लिटा देती हूँ। उसको कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी वो इंजॉय करता है, कभी रोने लग जाता है। तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं है बच्चा हर टाइम इंजॉय करेगा, वो रोएगा भी। तो उनको कोई ऐसा नहीं दर्द हो रहा होता है, पर आपको रोज़ थोड़े थोड़े टाइम के लिए टमी टाइम ज़रूर देना है। इससे उनकी मसल स्ट्रांग होती है, उनकी एबिलिटी बढ़ती है अपनी मसल्स को मूव करने की, नेक को मूव करने की। ये मसल स्ट्रांग होंगी तभी वो आगे चल के ईजिली बैठना, क्रॉल करना ये सब शुरू कर पाएंगे। इनसे इनको आगे की तरफ फॉरवर्ड स्ट्रेचिंग के में भी हेल्प करता है। कोई ऑब्जेक्ट होता है आगे आगे चल के बच्चा उसको ग्रैब करने की कोशिश करेगा, जिससे उनकी लेग्स की मूवमेंट्स होएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। You are a happy, healthy, smiling baby. 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 हाँ जी, पॉजिटिव अफर्मेशन जैसा आपने अभी सुना, मैं अविराज को बोल रही हूँ यू आर अ हैप्पी हेल्दी स्माइलिंग बेबी, और इससे जो है वो मेरे साथ आई कांटेक्ट कर रहा है, मेरी बातों पर रिस्पॉन्ड कर रहा है, स्माइल कर रहा है। और मैं बता नहीं सकती ये फीलिंग कितनी अच्छी है जब आपका बेबी जो है इससे स्माइल करता है आपकी बातों पर। तो पॉजिटिव अफर्मेशन देने का यही मकसद होता है कि बच्चे को पॉजिटिव फील करवाया जाए, उनके सबकॉन्शियस माइंड में जो है बेस्ट क्वालिटीज़ इनकल्ट की जाए, जिससे बेबी इस तरह से इन फ्यूचर बिहेव करे। पॉजिटिव अफर्मेशन आप किसी भी तरह बोल सकते हैं, आप उनको बाथिंग के टाइम पे बोल सकते हैं, मसाज के टाइम पे बोल सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे बोल सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होती हैं, बेबी रिस्पॉन्ड करता है, उसको अच्छा फील होता है, आपके साथ उसका एक अलग कनेक्ट बनता है। इसी में वो ये भी समझता है कि मेरे से बात की जा रही है, वो वॉइस को पहचानता है। और इस बहुत तरह से बोलते हैं, अब नाम लेके बोलना चाहिए, अविराज, मैं इसे बोलती हूँ अविराज, अविराज इज़ ऑनेस्ट, अविराज इज़ करेजियस, अविराज इज़ ग्रेटफुल, मैं इस तरह से पॉजिटिव अफर्मेशन बोलती हूँ, उसके साथ बात करती हूँ। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगता है बच्चे के साथ बात करना, वो बहुत इंजॉय भी करता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट जो एक्टिविटी होती है वो होती है टॉक विद योर बेबी। एक आवाज हो गई, एक आवाज हो गई, और निन्नी विन्नी नहीं आई। हाँ, निन्नी शिन्नी नहीं आई। हाँ, जल्दी उठ गए आप, जल्दी उठ गए, कितनी जल्दी उठ गए। हाँ, बातें करनी थी, बातें करनी थी। अच्छा, बातें करने के लिए उठा है। हाँ, बातें तो हम दिन में भी कर लेते, बातें तो हम दिन में भी कर लेते, इतनी जल्दी उठने की क्या जरूरत थी, कौन लोलती इतनी जल्दी उतने की।
तो यहाँ मैं अविराज से सुबह उठते ही बात करती हूँ, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो मेरी बातों पर रिस्पॉन्ड करता है, वो मुझे, मैं जब स्माइल करती हूँ तो वो मुझे बैक स्माइल करता है। इससे बच्चे जो हैं लैंग्वेज सीखते हैं, आपसे कनेक्ट करते हैं, उनको समझ आता है कि उनसे कौन बात कर रहा है, उनकी मम्मा है, मेरी बेटी भी उससे बात करती है, वो अपनी बहन की तरफ देख के स्माइल करता है, उसकी बातों पर रिस्पॉन्ड करता है। इससे बच्चों को सोशल फील होता है, बहुत से लोग उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं, वो वॉइस रिकोगनाइज करते हैं कि कौन हमसे, मतलब मदर की वॉइस कैसी है, फादर की, सिस्टर की, इनकी वॉइस कैसी है, तभी वो डिफरेंशिएट कर पाते हैं। इससे जो है बच्चों की लैंग्वेज एबिलिटी बढ़ती है समझने की, रिस्पॉन्ड करने की, और उन्हें इंगेज रखने का ये बहुत अच्छा तरीका है बात करना। और बात करने से आप लोगों को खुद इतना अच्छा फील होगा ना, आपका सारा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, आप लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलेगी मदरहुड की तरफ, बहुत पॉजिटिव फील होगा। मुझे तो बहुत मजा आता है अविराज के साथ इस तरह बात करने में, सुबह उठते ही मैं उससे बात करती हूँ, वो रिस्पॉन्ड भी करता है और हंसता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप अपने बेबीज़ के साथ कर सकते हैं 2 मंथ होने के बाद, जब उनको थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने लग जाती हैं, क्लियर दिखने लग जाती हैं कलर्स के साथ, थोड़ा ब्लैक एंड वाइट के साथ, वो है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये आप लोग खुद भी मतलब देखेंगे कि जैसे सबसे पहले जो बच्चा है वो आपके साथ कनेक्ट करता है, जैसे जैसे उसको आप विजिबल होने लगेंगे अच्छे से, तो जैसे जैसे आप उसके पास से उठ के जाएंगे वो अपनी आई को आपकी तरफ मूव करेगा, वो देखेगा कि आप कहाँ गए, मेरे ने ऐसे ही शुरू किया था। तो ये हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो एक्टिविटी है, ये इनकी मूवमेंट्स की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, इनकी आई सेट विजुअलाइजेशन को बढ़ाते हैं। आप लोग कोई भी टॉय लेके, मैं अलग अलग टॉय के साथ ये करती हूँ, कलरफुल टॉय लेती हूँ जिसमें बहुत सारे कलर हों, तो यहाँ पे मैं इस टॉय के साथ इसकी कोशिश कर रही हूँ कि ये इसके साथ अपनी आई को मूव करे, बट इसके साथ वो बात करने में इंटरेस्टेड था पर मूव करने में नहीं था। जैसे जैसे मैं उसके आगे लेके आ रही थी तो वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा था, उसके साथ बातें कर रहा था, बट आई कोऑर्डिनेशन और हैंड आई कोऑर्डिनेशन करने में थोड़ा सा उसको नहीं इंटरेस्ट लगा। फिर मैंने कोई और ट्रॉय जो है यूज़ करा, इसमें वॉइस भी हैं, बच्चे को अलग अलग रैटल की वॉइस, सूदिंग वॉइस, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं जो उनको डिस्टर्ब करें, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत कम आवाज़ की चीज़ें जो हैं पसंद करते हैं, लाउड म्यूज़िक उनके लिए बहुत डेंजरस होता है, बहुत छोटे बच्चों का जो है सुनने का बहुत नाजुक काम होता है, तो बहुत लाउड वॉइसेस नहीं, इनफैक्ट पास में भी कोई बहुत ऊंचा ना बोले तो ज्यादा अच्छा होता है, बहुत लाइट साउंड के रैटल्स उनके लिए यूज करने चाहिए। यहाँ पे अविराज इसके साथ बात कर रहा है, इसको ये बात करने में पसंद आया बट हैंड आई कोऑर्डिनेशन में नहीं। तो फिर मैंने कुछ और ट्राई करा, तो यहाँ पे इनकी जो है एक इंगेजिंग एक्टिविटी है जो उनको फ्री टाइम, जब वो मतलब अच्छे मूड में होते हैं, समटाइम्स वो अच्छे मूड में नहीं भी होते हैं बट जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो उनके लिए बहुत एक इंगेजिंग एक्टिविटी है। तो ये एक डॉल थी मेरी बेटी की, उस पर कलर बॉक्स पे मैंने वो इसको दिखाई, इसको बहुत अट्रैक्टिव लगी क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स हैं और इसने इसके साथ बहुत अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म करी। मैं जहाँ जहाँ इसको लेके जा रही थी वो वहाँ वहाँ अपनी गर्दन को और अपनी आईज को मूव कर रहा था, इससे भी उनकी मसल जो है स्ट्रांग होंगी और उनकी मूव करने की एबिलिटी जो है बढ़ेगी, गर्दन की मसल्स की, आई की, तो ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। दिन में आप जब भी फ्री हो, आपको लगे कि आप अपने बेबी के साथ बैठे हैं और ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं तो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ कर सकते हैं, आप अपने साथ भी कर सकते हैं। मैं तो अपनी बेटी के साथ भी परफॉर्म करवाती हूँ कि जब वो उसको देख रहा होता है तो मैं बोलती हूँ दीता आप उधर हो, फिर वो उसको फॉलो करता है कि मेरी बहन किधर गई। तो नेक्स्ट एक्टिविटी जो आती है वो है एक्सरसाइजेस, फिजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैं इसकी लेग एक्सरसाइज करवा रही हूँ, तो ये जो एक्सरसाइज है मैं उसको मसाज के टाइम पे भी करती हूँ बट मैं नॉर्मली दिन में एक दो बार वैसे भी कर देती हूँ। इससे जो है बच्चे के पेट में जो गैस होती है वो रिलीज हो जाती है और ये बहुत हल्के हाथ से करनी होती है, आप ये मत सोचना कि आपने बहुत जोर लगा देना है। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा अच्छे मूड में होगा तो वो खुद ब खुद अपनी लेग्स को जो है ढीला छोड़ देगा, उसको एक्सरसाइज में मजा आएगा। अविराज ने यहाँ अपनी लेग्स बिल्कुल ढीली छोड़ी हुई है इसलिए इतना तेज तेज आप लोगों को लग रहा है, बट ये तेज नहीं है, बहुत आराम आराम से करना होता है, इससे गैस पास होती है, उनके टमी को भी अच्छा लगता है और उनकी मसल स्ट्रांग होती हैं, स्ट्रेचिंग हो जाती है उनकी, सारा दिन उनके लेटे लेटे बोर हो जाते हैं बच्चे, इसलिए उनकी अच्छे से स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। इन एक्सरसाइज से डाइजेशन में भी हेल्प मिलती है और उनकी
इनर थाइज, हिप वगैरह की मसल्स जो है स्ट्रांग होती हैं। ये आर्म्स की थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेज हैं जो कि अप एंड डाउन है, बहुत हल्के हाथ से करनी है। अगर बच्चा खींच रहा है तो आपने नहीं करना, अगर उसका मूड नहीं है तो वहीं छोड़ दीजिए। ये सिर्फ बच्चे को रिलैक्स फील कराने के लिए होता है, ज़बरदस्ती कुछ भी करना उनके लिए हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है उनकी मसल्स। इन मसल्स को जो है स्ट्रांग बनाना है, मूवमेंट्स फ्लेक्सीबिलिटी लेकर आनी है ताकि रिजिडनेस ना हो, बच्चा बहुत स्टिफ ना रहे। ये एक्सरसाइजेस बस इसलिए होती हैं, ना कि कोई मतलब कंपटीशन या रेस के लिए। तो बस हल्के हाथ से कीजिए, मसाज के टाइम पे कीजिए, और लेग एक्सरसाइज आप दिन में एक दो बार कीजिए। यहाँ पे अविराज को मज़ा आ रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, इसलिए वो इस तरह से देख रहा है। कभी अभी मेरी मदर उससे बात कर रही है इसलिए वो इस साइड देख रहा है, अदरवाइज बच्चा आपके साथ आई कॉन्टैक्ट करे तो बहुत अच्छा है, उससे बॉन्ड भी इस्टेब्लिश होता है और इन्जॉयमेंट भी आती है। यहाँ पे वो मेरी मम्मा से बात कर रहा है तो वो फिलहाल ये बॉन्ड उनके साथ बना रहा है। तो ये सब छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो है आप बेबी के साथ कर सकते हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए और आगे के माइलस्टोन अचीव करने के लिए। तो नेक्स्ट जो एक्टिविटी कह सकते हैं, और ये तो नॉर्मली घर में होता ही होगा कि बच्चे को जो है वॉक करवाई जाए। सारा टाइम बच्चा फ्लैट लेटा रहेगा तो उसका जो हेड होता है वो भी फ्लैट हो जाता है, इसलिए समटाइम्स बच्चों को गोद में उठा के घुमाना चाहिए, कभी घर के अंदर कभी घर के बाहर नेचर में लेके जाइए ताकि वो एक्सप्लोर करे, सारी कलर दिखे उसे। अभी यहाँ मैं उसको बाहर लेके आई हूँ क्योंकि मौसम अच्छा है, तो वो स्काई को ट्रीज को बहुत अच्छे से देखता है, और अभी उसकी नेक होल्डिंग अच्छे से नहीं हुई है, बट ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है। वो अपनी नेक को उठाने की कोशिश करता है, उसकी नेक की मसल्स जो इससे स्ट्रांग होंगी, उसका जो है नेक होल्डिंग की मसल स्ट्रांग होंगी तो वो नेक होल्डिंग करने में ईजी होगा उसको। तो यहाँ पे वो स्काई और ट्रीज को देखता है, घर की चीज़ों को बच्चे देखते हैं जिससे उनको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना होते हैं, साथ ही साथ उनको चीज़ें दिखती हैं, कलर दिखते हैं जिनसे वो फैमिलियर हो पाते हैं, फिर वो उससे रेजोनेट करते हैं कि हाँ ये मेरा घर है, मेरी जगह है। तो ये भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी, बच्चों को बाहर लेके बैठते हैं तो मैं विराज को ऐसे लेके बैठती हूँ, इससे उसका टमी टाइम भी हो जाता है, वो अपनी गर्दन उठाने की भी कोशिश करता है और बाहर की ताज़ी हवा भी खा लेता है। रूम के अंदर अंदर नहीं बाहर ले जाना ज़रूरी होता है बच्चों को, और साथ ही साथ मज़ा आता है दित्या को भी मुझे भी। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चे के साथ परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे एक माइलस्टोन इसने अचीव करा है कि ये माउथिंग करने लग गया है, अपने हैंड्स को चीज़ों को पकड़ता है और अपने माउथ में लेके जाता है। ये बिल्कुल सेफ है, मैं भी बहुत टेंशन में आ गई, बट ये बिल्कुल सेफ है, सब बच्चे करते हैं, बट हाइजीन का मेंटेनेंस देखना चाहिए, कपड़े इनके माउथ में ना जाए तो ज्यादा अच्छा है, हैंड्स इनके क्लीन रखें। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।